नमस्कार, एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुनीता कंवर जी, जो जगह जगह जाकर गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाती हैं। और सुनीता जी, आप पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं भी एस एम न्यूज़ चैनल से सुरेंद्र भाई जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज बाबा साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बोलने का मौका दिया। सुनीता जी, एक बात बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे मिली और कैसे कर पाते हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं आप? इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मन में इच्छा होनी चाहिए। जो हमारा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, जो हमारा खाली टाइमिंग है, हम उसको अपने जो समाज के ज़रूरतमंद बच्चे हैं, खासकर मेरा बच्चों पे जोर है, महिलाओं पे जोर है, क्योंकि जब महिलाओं में जाएगा बाबा साहब मिशन के तहत, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं या जो भी हमारी बात है, जो हमारी सहूलियतें हैं, जो हमारे पढ़ाई लिखाई को लेकर बच्चों की जिज्ञासा है, उसको हम महिलाओं से ही बच्चों तक ला सकते हैं। भैया इधर इधर हो गया। और जैसे कि आज 6 दिसंबर, सुनीता जी एक बात बताइए, ये प्रेरणा आपको कैसे मिलती है कि इतने सारे बच्चों को आप फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ाती हैं? इसकी प्रेरणा मैं सही मायने में बताऊं, जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी सुल्तानपुरी स्कूल में, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी, तो मैंने वहाँ बच्चों को देखा कि हमारा बच्चा जो पढ़ाई के तहत है, इतना कमज़ोर और इतना अपने आप को बेस जो उसका होता है, इतना कमज़ोर होता है कि आगे तक वो 10वीं पास करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर वो बैठ जाते हैं, उससे उनको उसी तरह का काम धंधा फिर उनको मिलता है। आप समझ सकते हैं, जब एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो नौकरी अच्छी नहीं होगी, नौकरी अच्छी नहीं होगी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी तो जो हमारा रख रखाव है, जो एक बोली की शैली है हमारी, जो हमारा एक स्टेटस है, हम दूसरों से उसको कमतर गिनते चले जाएंगे। तो सबसे पहला ये है कि हमें अपनी जो शिक्षा है उसकी मजबूती को, पकड़ को अच्छा रखना। आपसे सुनीता कंवर जी, अगर आप भी चाहते हैं इनको सपोर्ट करना, तो ये आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी जगह मिल जाएंगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप इनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करें, क्योंकि इनको मदद करेंगे ऐसे तो देश के बहुत सारे बच्चों को इनकी तरफ से हेल्प होगी। ऐसे हमने से बात करने के लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। और दूसरी बात, थोड़ा सा हमारे समाज को जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ जाएंगे, उनके ऊपर तो ध्यान देना, कंसंट्रेशन देना, मैं समझती हूँ इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ाई के किसी तरह की रुचि नहीं है, उनके ऊपर हम लोगों का बनता है कि जो भी हमारे पढ़े लिखे भाई बंद हैं, उनको टाइम दें और उनके लिए कुछ करें। अगर एक बच्चा हमारे समाज का पढ़ा लिखा एक बच्चे को भी पढ़ाएगा, तो मैं समझती हूँ कि जो ये हालात अब हैं, बहुत अच्छे सुधार में हम उसको ला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।